हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया, मजा में? अरे नहीं बाबा, मजा में नहीं, पूरी कंट्री चिंतित है। आप भी कंसर्न दिखाएं, स्टे एट होम, सेफ एट होम। चलिए, एनीवेज, ऑन डिमांड बेटा, एज सच यार आई एम गोना डिलीवर द लेक्चर। एज सच सूरज के तो सभी बच्चे जानते हैं, अगर कोई और देखें तो लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट myself, TARUN Dua, PGT Commerce in Suraj Group of Institution. Let me start. As such, beta, हमने अपने last lecture में principles of management को discuss किया था। जैसा कि आपको पता है, principle of management दो part में, given by Henry Fayol साहब and F.W. Taylor. As such, F.W. Taylor साहब ने certain techniques भी दी हैं, not only principle but also certain techniques, four principles and nine techniques, and Henry Fayol साहब given what? 14 principle. 14 principle has already been discussed in depth. As such, I have given the mnemonic name as Dadu 4S Rossi. I hope आपको याद आया होगा point. इसके साथ साथ बेटा मैंने टेक्निक्स आपको स्टार्ट कराई थी F.W. Taylor की, 8 टेक्निक हम कवर अप कर चुके थे, लास्ट टेक्निक हमारी पेंडिंग थी। सो हियर आई एम गोना स्टार्ट अ लेक्चर ऑन अ डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। फाइन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? हियर डिफरेंस इज व्हाट? बेसिकली व्हाट F.W. Taylor सेज दैट प्लेटफॉर्म एरिया वर्कर्स को सेग्रीगेट करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंट and inefficient. The one who is inefficient will get the less amount of wages, the one who is effective will get the more amount of wages on the basis of amount. Because what we are thinking nowadays, the best way to motivate someone is what? A money. And you better know beta ji, money is the one who can motivate you all. Sir, sahi batao. Are haan beta, ये रईसों को कहना अच्छा लगता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, बट बेटा जी मिडिल क्लास लोगों के लिए पैसा क्या बहुत कुछ होता है? हाँ भाई हाँ, ध्यान से सुनिएगा। लेट अस से फॉर एग्जांपल वेज रेट। कंपनी ने डिसाइड किया कि अगर कोई भी एम्प्लॉय 100 यूनिट पर डे प्रोड्यूस करता है तो कंपनी उसको 10 रुपीज पर यूनिट देगी, तो कितना बना? 1000 रुपए। अगर कंपनी ने किसी एम्प्लॉय ने लेस देन 100 मींस टू से व्हाट 90-99 तक भी अगर प्रोड्यूस किया तो भी कंपनी उसको 1000 रुपीज देगी। सर ये क्या, ये तो डिफरेंस ही नहीं आया। बेटा एक मिनट रुको, कंपनी ने कहा कि अगर किसी ने लेस देन 90 प्रोड्यूस किया तो कंपनी उसको कितना देगी? 90 पर यूनिट। और अगर कोई एम्प्लॉय मोर देन 100 प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको कितना देगी? 110 पर यूनिट। इससे होगा क्या बेटा, ध्यान से सुनना। अगर कोई एम्प्लॉय, सोच के देखो, 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको 1000 मिले, 90-99 ये बेटा 1000 रुपीज किसके बेसिस पर आया? हमारा एक प्रिंसिपल है बेटा, प्लानिंग चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, डेविएशन टॉलरेंस लिमिट। बेटा जी डेविएशन का मतलब क्या होता है? गलती। क्या एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचना चाहिए? हाँ। कैसे सोच रहा है एम्प्लॉयर कि हाँ, अगर एक एम्प्लॉय ने मान के चलो 5-7 यूनिट कम प्रोड्यूस करी है, पूरा दिन वो भी काम कर रहे थे बाकी भी काम कर रहे थे, 5-7 यूनिट कम प्रोड्यूस हुई है, तो क्या 5-7 कम यूनिट प्रोड्यूस होने का रीजन क्या कंपनी खुद भी हो सकती है? हाँ। कैसे? कि किसी लेट से किसी जॉब वर्क में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं आई, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन हो गई, तो उसमें गलती क्या एम्प्लॉय की हुई? बताना जरा किसकी गलती हुई? सर गलती तो इसके अंदर एम्प्लॉयर की है, तो बताओ पैसे हम नौकर के क्यों काटे? तो ऐसे केस में F.W. Taylor ने कहा कि अगर एम्प्लॉय की
छोटी मोटी गलती है तो उसका एक रुपया भी मत काटो। बट हां, अगर किसी एम्प्लॉई ने बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी, मतलब लेस देन 90 वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसे केस में बेटा उसको कंपनी क्या करेगी बेटा, लेस अमाउंट ऑफ वेजेस देगी, जो सेग्रीगेट करेगा किसको, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज। आई होप यू विल गेट माय पॉइंट। सर फिर रिवॉर्ड किसको दिया जाएगा? बेटा जी एक एम्प्लॉई है जो सुबह से शाम तक बहुत अच्छे से काम कर रहा है और उसने मोर देन 100 प्रोड्यूस करी, से उसने प्रोड्यूस करी कितनी, 120 यूनिट्स, तो क्या इसको रेट भी हम बढ़ा करके दे? हाँ सर, इसको हमने दिया कितना, लेट से 12 रुपीस पर यूनिट। तो बेटा जी इसका अमाउंट देखो कितना हो गया, 1440 rupees। इन द सेम केस अगर एक एम्प्लॉय ने लेट से प्रोड्यूस किया 90 यूनिट्स, तो ऐसे केस में उसको हम कितना देंगे बेटा, एट द रेट ऑफ रुपीज 9 पर यूनिट, तो उसको हमने कितना मिला, 810 रुपीज। अगर बेटा कंपनी ये पॉलिसी ना बनाती तो दो केस है, मैं आपको एग्जांपल से पढ़ाऊं। हाँ हाँ सर एग्जांपल तो दो, आना बेटा एक बार, ये हमारे, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, ये हमारे फ्रेंड कम ब्रदर, लेट से हेलो सर, साइड करो ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इस एम्प्लॉय ने सुबह से शाम तक काम किया और इसने प्रोड्यूस किए होते मान के चलो 120 यूनिट्स, तो ऐसे केस में मुझे बताना इसको कितने मिले, 1440 और एक मैं, शाम तक जिसने एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के साथ काम नहीं करा तो मुझे कितने मिले, 810। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा, शाम को जब हम मालिक के पास जाएंगे पैसे लेने तो मालिक हमें कितना रुपए देगा, इसको देगा 1440, मुझको देगा कितना, 810। क्या मेरा मूड खराब हो जाएगा? हाँ, नेक्स्ट डे क्या होगा, क्या मैं भी दिल लगा के अब काम करूंगा, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस दिखाऊंगा कि नहीं? यस, इन द सेम मैनर क्या ये भी मोटिवेट होगा? हाँ, क्योंकि इसको 1000 की जगह कितना मिला, 1440। अदर सिनेरियो से देखिए, अगर कंपनी इसके अंदर ऐसा ना करती, अरे कहां जा रहे हो, रुको ना, ऐसे अगर अनदर सिनेरियो में देखो, अगर कंपनी इनको 120 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के बाद भी 1000 देती और मुझे 90 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के बाद भी 1000 देती, तो ऐसे में तो दोस्त मुझे एक बात बताओ, ये कहता शाम को क्या फायदा हुआ, मन लगा के काम करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो सेम अमाउंट ऑफ वेजेस मिल रहा है, क्या नेक्स्ट डे काम करेगा दिल लगा के, ना मैं करूंगा ना, क्योंकि जो ज्यादा काम कर रहा है उसको भी 1000, जो कम काम कर रहा है उसको भी 1000। थैंक यू। तो आई होप यू विल गेट द पॉइंट। बेसिकली बेटा जी डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम विल मोटिवेट द एम्प्लॉय, विल मोटिवेट द एम्प्लॉय एंड सेग्रीगेट द efficient and inefficient employee। अच्छा CBSE के अंदर ना इसका जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आता है, बेसिकली इसके अंदर क्वेश्चन आता है that explain the differential piece wage rate system with the help of an imaginary example। So as such it's quite a theoretical or a case study subject, but आपको इसके अंदर ना imaginary figures के साथ calculate करके explain करेंगे, then only you will get what, 4 marks। I hope you'll get the concept। हाँ सर इतने अच्छे से आपने बता, पर सच में थैंक यू।